हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं पूजा भाटिया अज अगली एक नवी वीडियो लैके आई हाँ। आपां पिछली वीडियो विच डिस्कस किया सी पंजाबी लैक्चरर बारे। उरे विच मैं जो पंजाबी लैक्चरर का सिलेबस है वह दस्या सी कि वह सिलेबस की है और किस तरह का है, उन्होंने किवें असी तैयार करना है। और काफ़ी लोगों ने कमेंट आए थे कि तुसी पेपर वन जो कॉमन पेपर होंगे लैक्चरर लिए और बारे भी जरूर दसो। और वो पेपर नो डाउट बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों पेपर जड़े है 150-50 मार्क्स देने और जड़ी मेरिट है वो 300 दे विचों बननी है। लास्ट टाइम बहुत जाने नाल होया सी, जिवें एग्जाम्पल 127 मार्क्स कट नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स है, बट एरे विचों 60 मार्क्स है तो वो परसन मेरिट विचों रह जाता है। जे वही इक्वली 127 प्लस 127 लै जाए तो उसकी मेरिट जड़ी है बहुत ही ईजली बन जाती है, ठीक है 254। पर प्रॉब्लम जड़ी आई सी वो प्रॉब्लम की सीगी कि किसी ने भी पेपर वन नू इन्ना सीरीयसली कंसीडर नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा जोड़ा टारगेट है सब्जेक्ट नू रखा। सब्जेक्ट चो तो मार्क्स अच्छे लेके जा रहे हैं बट पेपर वन विचो जो एप्टीट्यूड के पेपर सेगा कॉमन पेपर से उसे विचो मार्क खा रहे से, जिस करके वो अपनी जॉब जड़ी गवा चुके से। बाकी मैं आज लिस्ट चेक की सी लास्ट टाइम की 569 स्टूडेंट सिगे, इन्ना कंपटीशन नहीं है, पढ़न वाले बहुत घट सिगे, हार्डली 20-25 स्टूडेंट सी जड़े 100 अबव जड़े है मार्क्स लेके जा रहे हैं। इट मीनस कि जे तुसी पढ़ते हो मेहनत करते हो तो हनु जड़ा है क्रैक करना जो है बहुत ईजी है। हुण असी कॉमन पेपर की गल करते हैं, जो कॉमन पेपर है और ये विच की है 150 मार्क्स है, 30 मार्क्स मल्टीप्लाई 5, मतलब कि 30 मार्क्स का एक टॉपिक है और पांच टॉपिक ने टोटल। इस विच जड़े मेन ने एक है इंग्लिश, सेकंड पंजाबी, ताड़िया दोनों लैंग्वेजेस आ गई इंग्लिश एंड पंजाबी। पंजाबी दी तुसी ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये जड़ी 30 मार्क्स की पंजाबी जड़ी है वो तो हानू करनी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। थर्ड है सी डी पी, ए सी डी पी ओ है जो असी बी एड विच कीती हुई है, इसलिए सानू इहदी कोई भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी। फोर्थ नंबर ते तुहाडा आ जांदा है करंट अफेयर, जिहनू असी कह सकदे हां जीके, 30 मार्क्स दा 30 क्वेश्चन ईच पार्ट्स, ठीक है। फिफ्थ जिहड़ा तुहाडा आ जांदा है वह आएगा रीजनिंग जां मेंटल अबिलिटी, ठीक है। ये तो हमारा 5 पार्ट्स ने, इंग्लिश, पंजाबी, सी डी पी, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड मेंटल अबिलिटी, जो कि टोटल 150 मार्क्स का हो जाता है 30 मार्क्स ईच, ठीक है। हुण ये भी कवर करना बहुत जरूरी है, दोनों पेपर की प्रैपरेशन करनी बहुत जरूरी है। जिहड़ा पेपर 2 है साडा पंजाबी का, मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ सिलेबस बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। उस तो बाद जो कॉमन पेपर है एक पंजाबी टीचर लई मेंटल अबिलिटी जड़ी है, इंग्लिश आ गई, करंट अफेयर आ गई, मेंटल अबिलिटी आ गई, सी डी बी आ गई, एरा लेवल जड़ा उन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि असी अपनी मदर टंग ना बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, इस करके कॉमन पेपर भी बहुत लेवल डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। हुण तुहानू एक होर चीज़ दसदा, मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हूँ कि मैं लैक्चरर दी क्लासेस स्टार्ट कर रही थी 20th नू, बट थोड़ा जहा वो डिले करता, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ गए ने, पर कॉमन पेपर करके मैनू मतलब कि पर्टिकुलर मैं एक ठीक क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हाँ, जिस करके हुण क्लासेस जिहड़ियां है 1 मार्च 2021 नू स्टार्ट ने। 1 मार्च तो बाद मैं किसी भी स्टूडेंट नू नहीं लै सकती, इस करके क्लासेस जिहड़ियां मैं थोड़े अगे कर दित्ती हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा है। की हुंदा लास्ट टाइम भी मास्टर कैडर के पेपर विच स्टूडेंट्स काफ़ी लेट एंटर हुए सी मेरे को, और कवर अप कराना सिलेबस मैनू बहुत औखा हो जाता है, दिन च 4-4 घंटे पढ़ाना, ठीक है। हुण ये टोटल सिलेबस नू तुहाडा 3 मंथ जिहड़े ने लगनगे, डेली तुसी 1.5 घंटा लैके चलो तां तुहाडा जिहड़ा ये सिलेबस ईजली और कंफर्टेबली 3 मंथ्स च कंप्लीट हुंदा है। और जो मेरी क्लासेस का टाइम रहेगा वो होएगा 5 to 6:30 PM, क्योंकि मैंने पता सारे ही जॉब वाले ने, इस करके 5 to 6:30 बजे तक लैक्चरर की क्लासेस का टाइम रहेगा।
7 बजे ऑलरेडी मास्टर केडर की क्लास चल रही है, तो हमें सारे पता है कि वो मास्टर केडर की क्लास चल रही है, वो 7 बजे शुरू होंगी है, तो 7 तो 8 क्लास है। हाँ, और एक चीज़ होर, मैं इतने तुम्हें एलिजिबिलिटी की भी दस दिनी हाँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह आदि हैं कि लैक्चरर लई एलिजिबिलिटी की है। जो तुम पुराना नोटिफिकेशन पढ़िया होएगा, सब तो पहली गल ये लिए तुम चाहिए है MA पंजाबी प्लस BEd, PTET रिक्वायर्ड नहीं है। PTET सानू मास्टर के पंजाबी लैक्चरर लई नहीं चाहिदा, सिर्फ MA पंजाबी प्लस BEd। हाँ, ये विच एक चेंज है कि विच जे इन्होंने की किया सी, MA लई 55% मार्क्स वाला ही लैक्चरर लई एलिजिबल है, बट वो थोड़े जे रोला रप्पा पा के फिर इसकी एलिजिबिलिटी किनी हो गई है 50%। तो इस करके हूँ जरा MA विचों 50% मार्क्स प्लस BEd, MA पंजाबी 50% मार्क्स प्लस BEd, एज जेडी है 37 एज इट इज। और जेडी रिजर्वेशन कैटागरीज है, तो हानू सारे नू पता है कि किन्ना दी कैटागरी रिजर्वेशन दे अंडर आती है, 42। ठीक है, ए एज दी है और 3 मंथ्स दी क्लास है, इस तो 3 मंथ्स तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट 3 मंथ्स तो घट नहीं लग सकता क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जे तुसी सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो तुहानू जरूर करो, और बहुत बेस्ट भी है सेल्फ स्टडी करना, तो तुसी ये सोच लो कि तुहानू अज तो ही अपनी स्टडी जड़ी है स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हुण कॉमन पेपर की भी मैं वीडियो बना दी है। हाँ जी, थैंक यू जी।